दोस्तों, मैं आपको स्टार्टिंग से ही एक ही चीज समझाते आ रहा हूं कि अगर आपने सब कुछ करके देख लिया बट फिर भी आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या करो, गलत तरीका लगाओ, 100% आपके वीडियो पर व्यूज आएगा, आपका चैनल का ग्रोथ भी होगा। क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम ना जमाना ही यही है, अगर आप ईमानदारी से काम करोगे ना तो कोई भी आपको नहीं पूछेगा, यूट्यूब आपको लात मार के भगा देगा। लेकिन वहीं पर थोड़ा दिमाग से काम लोगे, थोड़ा टेढ़ा तरीका लगाओगे ना, तो आपके वीडियो पर व्यूज आएगा, आपका चैनल का ग्रोथ भी होगा और यूट्यूब आपको प्रमोट भी करेगा। और अभी मैं आज इस वीडियो में आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ चैलेंज साथ दिखाने वाला हूं और समझाऊंगा भी कि आखिर व्यूज आता कैसे है और आपके वीडियो पर व्यूज क्यों नहीं आता है, आपको आइडिया खुद से मिल जाएगा। और जो मेथड मैं बताने वाला हूं ना, ये मेथड से 100% आपके चैनल का ग्रोथ पक्की है। क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम पर रियलिटी यही है, अगर आप फूल बन के रहोगे ना तो कोई भी इंसान आएगा आपको तोड़ लेगा और चले जाएगा, लेकिन अगर आप कांटा बन के रहोगे ना तो कोई आपको छूने की कोशिश भी नहीं करेगा। अभी के टाइम पर पूरे जमाना का रूल यही है कि अगर आप इंसानियत पर चलोगे तो आपको कोई भी कदर नहीं करेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टेढ़ा दिमाग लगाओगे, टेढ़े तरीके से काम करोगे ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। अभी मैं बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आप देखो खुद समझ जाओगे, ऑटोमेटिक आपका माइंड खुल जाएगा, ठीक है। पहले यहां पे देखो, सबसे पहले आप प्रूफ देख लो, एक मैं एग्जांपल दिखाने वाला हूं, ये देखो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले अपने यूट्यूब को खोल लेता हूं, सबसे पहले ये देख लो जो चीज मैं समझाने वाला हूं, उसके बाद आप वीडियो को देखो या ना देखो वो अलग चीज है, बट देखो असली कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर व्यूज कैसे आते हैं और आपके वीडियो पर व्यूज क्यों नहीं आते हैं, आपको सारा आइडिया मिल जाएगा बस इसी से, ठीक है। यहां पे देखो, अब मैं क्या करता हूं, एग्जांपल के लिए कोई भी कीवर्ड को सर्च कर देता हूं, कोई भी कीवर्ड, आप कोई भी कीवर्ड को सर्च कर सकते हो। जैसे कि यहां पे मैं सर्च मार देता हूं कि जीमेल आईडी कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये देखो सर्च मार दिया हूं जीमेल आईडी कैसे बनाते हैं। आप कुछ भी सर्च करके देख लेना, आप चाहो तो सर्च कर लेना कि पनीर की सब्जी कैसे बनाएं, आलू मटर की सब्जी कैसे बनाएं, रोटी कैसे बनाएं, चावल कैसे बनाएं, कुछ भी सर्च कर लेना एग्जांपल के लिए। जैसे कि यहां पे मैं क्या किया हूं, सर्च कर दिया हूं, ठीक है। अब देखो हमारे सामने यहां पे बहुत सारे वीडियोस आ चुका है। अब दोस्तों मान के चलो थोड़ा सा यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं, जैसे कि मैंने सर्च किया था कि जीमेल आईडी कैसे बनाएं और यहाँ पे जीमेल आईडी कैसे बनाएं इसी टॉपिक के ऊपर यहाँ पे हमारे सामने दो वीडियो आ चुका है। ये भी टॉपिक वही है जीमेल आईडी कैसे बनाएं और ये भी टॉपिक वही है जीमेल आईडी कैसे बनाएं और हमें देखना भी यही है कि जीमेल आईडी कैसे बनाएं। और मान के चलो आपके सामने ये दोनों वीडियो एक ही बार में आ जाता है, जैसे कि अगर आपने सर्च किया कि जीमेल आईडी कैसे बनाएं, ठीक है, ये कीवर्ड को आपने सर्च किया और आपके सामने ये दोनों वीडियो आ जाएगा, तो आप कौन से वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे, फटाफट से बताओ कौन से वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे। मैं आपको बताता हूं, आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे, इसके ऊपर क्लिक नहीं करोगे, और यही रीजन है इसीलिए आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आता है। देखो व्यूज आने का तीन सबसे बड़ा फैक्टर है, तीन चीजों से आपके वीडियो पर व्यूज आता है। पहला चीज थंबनेल, ठीक है, खैर चलो थंबनेल छोड़ो, दोनों का थंबनेल सही है, ठीक है, दोनों थंबनेल सही है। अब दूसरा चीज क्या है, टाइटल, दोनों का टाइटल सही है, वही है। बट तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, व्यूज, व्यूज बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब देखो आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ठीक है, यहां पे देखो 9 दिन पहले इस वीडियो पर 209 व्यूज आए हैं, बट ये देखो 2 साल हो चुके हैं इस पर 140,000 व्यूज आए हैं। अभी के टाइम पर रियलिटी यही है, सामने वालों को ना उनके व्यूज से जज किया जाता है। अगर मान के चलो आपके सामने ये दोनों वीडियो आएगा ना तो आप इसके ऊपर तुरंत क्लिक कर दोगे, इसके ऊपर क्लिक नहीं करोगे, भले ये कितना भी अच्छा वीडियो बनाया है, सही तरीके से एडिटिंग किया है, सही तरीके से तरीका भी बताया है जीमेल आईडी बनाने का, बट फिर भी आप इसके ऊपर क्लिक नहीं करोगे क्योंकि इसका वीडियो पर व्यूज कम है। और अभी के टाइम पर रियलिटी यही है और इसीलिए आपके वीडियो पर व्यूज भी नहीं आता है। आप कितना भी अच्छा वीडियो बना लो, कितना भी अच्छा टॉपिक के ऊपर वीडियो बना लो, लेकिन लोग आपके वीडियो पर व्यूज कम देखता है ना, इसीलिए लोग आपके वीडियो पर क्लिक नहीं करता है, और जब क्लिक नहीं करेगा तो व्यूज कहां से आएगा, ठीक है। जैसे कि देखो इस वीडियो पर ज्यादा व्यूज है ना, और इस वीडियो पे भले बेकार चीज बताया होगा, सही से एडिटिंग भी नहीं होगा, बताने का तरीका भी सही नहीं होगा, बट फिर भी लोग इनके व्यूज देख के ना इनके ऊपर तुरंत क्लिक कर देंगे, और ये अभी के टाइम पर हकीकत है, रियलिटी है। और आपके वीडियो पर व्यूज क्यों नहीं आता है ये मैं आपको बता दिया हूं, ये रीजन से, ठीक है। लोग देखते हैं कि आप बहुत बार क्या होता है, पता है, मैं अभी आपको दिखाता हूं। जैसे कि मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां पे इसको मैं कट करता हूं, अभी मैं आपको दिखाता हूं आखिर आपके वीडियो पर व्यूज क्यों नहीं आता है, ठीक है। चलो यहां से मैं इसको कट करता हूं, एंड गाइस यहां पे देखो होम को मैं ओपन कर लिया हूं, ठीक है, होम पेज को यहां पे मैं ओपन कर लिया हूं। अब बिल्कुल ध्यान से देखो मैं जो चीज समझाने वाला हूं। जैसे कि मान के चलो यहां पे आपने ये वीडियो को अपलोड किया, ठीक है, एग्जांपल के लिए आपने ये वीडियो को अपलोड किया, मान के चलो ये वीडियो आपकी है, ठीक है, तो आपने थंबनेल अच्छा बनाया है, ठीक है, टाइटल भी अच्छा बनाया है, लेकिन अगर आपके वीडियो पर व्यूज कम रहेगा ना तो लोग क्लिक नहीं करेगा। जैसे कि इस वीडियो पर देखो 7 घंटे में यहां पे 9,000 व्यूज आ चुके हैं ना, तो अभी फटाफट लोग इसके ऊपर क्लिक करके देखेंगे, लेकिन यहीं पे अगर इस वीडियो पर 7 घंटे में 50 व्यूज होता ना, या तो 10 व्यूज होता या तो 20 व्यूज होता ना, तो कोई भी और इसके ऊपर क्लिक नहीं करता, मतलब सोचता कि यार ये तो इस पे व्यूज ही नहीं है, ये छोटा चैनल होगा, इसके वीडियो में दम नहीं होगा, इसलिए इनके वीडियो पर व्यूज नहीं आया है, और यही सोच के लोग क्लिक नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा चीज बताने वाला हूं जिससे लोगों के माइंड से ना ये चीज हटा सकते हो, ठीक है, व्यूज, भेदभाव हटा सकते हो।
मतलब अगर आपका थंबनेल अच्छा रहेगा, टाइटल अच्छा रहेगा ना, तो 100% वो क्लिक करेंगे। मतलब लेकिन आपको थोड़ा गलत तरीका लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा गलत तरीका लगा दोगे ना तो लोग आपके थंबनेल देख के क्लिक करेंगे, ना कि आपके व्यूज देख के। आपका व्यूज नहीं भी रहेगा ना, जीरो व्यूज रहेगा ना, फिर भी फटाक से क्लिक कर देंगे बस आपका थंबनेल देख के। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा गलत तरीका लगाना पड़ेगा। वो कौन सा तरीका है चलिए मैं आपको बताता हूं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इससे पीछे वाले वीडियो के विनर ये भाई हुए हैं, तो इसका लिंक मैंने अपने कम्युनिटी में शेयर कर दिया, तो सिंपली जाके आप लोग इस भाई को सपोर्ट कर देना, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिसको भी अपने चैनल का प्रमोशन बिल्कुल फ्री में कराना है वो सिंपली से हमारे इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो में कोई भी कमेंट कर देना है, क्योंकि हम कमेंट से विनर निकालते हैं और विनर वही आता है जो चैनल को सब्सक्राइब किया रहेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में कोई भी कमेंट कर देना। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों अब देखो आपको करना क्या है, मैं टोटल दो तरीका बताऊंगा, दोनों तरीके से आपको काम करना है। एक तो हो गया थोड़ा गलत तरीका है, बट कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, आपके चैनल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड दूसरा मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त तरीका बताने वाला हूं, दोनों तरीका को सही तरीके से देखना, पहला और दूसरा दोनों तरीका देखना। सबसे पहले करना क्या है, पहला तरीका लगाने के लिए आपको सिंपल तरीके से चले जाना अपने ब्राउजर में। ये तरीका आप सेम यूट्यूब एप्लीकेशन में भी कर सकते हो, यूट्यूब में भी ऑप्शन मिलता है, बट अगर आप क्रोम ब्राउजर में जाओगे तो वहां पर भी अच्छा रहेगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपल तरीके से आते हैं अपने यहाँ पे ब्राउजर में। ठीक है, मैं आपको सामने बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे हम सर्च कर देते हैं स्टूडियो। ठीक है, मतलब अपने चैनल का डैशबोर्ड को ओपन कर लेते हैं। यहां पे देखो ये हमारे चैनल का स्टूडियो ओपन हो रहा है, क्रिएटर स्टूडियो। ठीक है, आप अगर क्रोम में आओगे तो studio.youtube.com लिख के सर्च कर देना, फिर आपके सामने आपके चैनल का क्रिएटर स्टूडियो यहां पे ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों देखो आपको यहां पे आने के बाद करना क्या है, जैसे कि यहां पे देखो मेरे चैनल का डैशबोर्ड यहां पे आ चुका है। ठीक है, तो यहीं से आपको ट्रिक लगाना है, दिमाग लगाना है, थोड़ा गलत तरीका लगाना है। मैं पहले बार बार बोल रहा हूं कि थोड़ा सा गलत तरीका है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, आपके चैनल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन सेकंड नंबर वाला जो तरीका है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसको जरूर से देख लेना। ठीक है, अब देखो पहला तरीका आपको क्या करना है, यहां पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, तो आपको क्या करना है, नीचे यहां देखो एक ऑप्शन मिल जाएगा कस्टमाइजेशन का, ये वाला। ठीक है, आपको इसके ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप कस्टमाइजेशन इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने एक नया और एक अलग इंटरफेस आ जाएगा। देखो यहां पे बहुत सारा इंटरफेस आ चुका है, तो ये सब ना बहुत पावरफुल चीज है। अगर इस सबके बारे में आपको नहीं पता है ना, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूं, हो सके तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना कि ये सबसे क्या बेनिफिट है, इससे कैसे अपने वीडियो को प्रमोट किया जाता है। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि कैसे गलत तरीका लगा के लोगों के माइंड के साथ खेल के अपने वीडियो के ऊपर फटाफट क्लिक करवा सकते हैं। हमारे वीडियो पर जीरो भी व्यूज रहेगा ना, फिर भी लोगों को पता नहीं चलेगा, व्यूज वहां नहीं दिखेगा और वो फटाक से हमारे वीडियो के ऊपर क्लिक कर देगा। एंड सेकंड नंबर वाला तरीका भी देखना, इससे ज्यादा पावरफुल होने वाला है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो आपको यहां पर आना है बेसिक में, चलो इसके ऊपर यहां पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे देखो, यहां पे आएगा आपके चैनल का जो होता है ना हैंडल। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि देखो सबसे पहले आएगा नाम, यहां पे आपके चैनल का नाम आएगा पहला चीज, एंड सेकंड आएगा यहां पे चैनल का हैंडल, जैसे कि देखो ये मेरा हैंडल है, और तीसरा आपका आएगा डिस्क्रिप्शन। तो आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से यहां देखो जो है ना आपके चैनल का नाम, चैनल के नाम के साथ आपको थोड़ा सा छेड़खानी करना है। एंड सेकंड तरीका भी जरूर से देखना, तभी जाके आपका व्यूज बढ़ेगा भाई, ध्यान से देख लेना। पहले समझ लो आखिर मैं बताना क्या चाह रहा हूं, पहले समझोगे तभी यह तरीका आप एक्चुअल में काम करवा पाओगे। ठीक है, ये देखो बहुत ज्यादा पावरफुल तरीका है और ये तरीका 100% काम करता है, पर्सनली मैंने भी काम करवाया है बहुत सारे लोगों का। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, चैनल के नाम के आगे आपको करना क्या है, ये देखो थोड़ा सा आपको स्पेस देना है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे देना है। स्पेस देने के बाद यहां पे जब स्पेस दोगे ना, स्पेस देने के बाद आपको क्या लिखना है, यहां पे लिखना है कुछ इस प्रकार से, ताकि लोगों को लगे कि ये इनका व्यूज है। कैसे, ये देखो जैसे कि यहां पर लिख देता हूं, यहां पर मैं डाल देता हूं एग्जाम्पल के लिए 45K। ठीक है, 45K व्यूज, VIEWS। ठीक है, 45K व्यूज, उसके बाद डॉट, डॉट में आपको क्या देना है, यहां पे देखो आपको एक सिंबल मिल जाएगा, मैं आपको भी दिखाता हूं। ये देखो इसके ऊपर क्लिक करता हूं, डॉट, ये स्पेस देता हूं, फिर लिखता हूं यहां पे 2 hours। ठीक है, 2 hours hours ago, इस प्रकार से लिख के कर देते हैं यहां पे देखो एगो। ठीक है, इस प्रकार से लिख के आपको कर देना है सेव। मतलब इसे बेनिफिट क्या होगा ना, अभी मैं आपको समझाता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखो। ये तो हो गया आपका चैनल का नाम। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, यहां पे देखो सबसे पहले हम मार्क को ओपन कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से मार्क करके समझा सके। ये देखो ये हो गया आपके चैनल का नाम। ठीक है, चैनल के नाम के आगे आपको कुछ इस प्रकार से ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करना है, बाद में फिर रिमूव कर देना चैनल ग्रो होने के बाद, बट क्या करना है, चैनल के नाम के बाद आपको इस प्रकार से ऐड कर देना है। इससे क्या होगा पता है, ऐड करने के बाद आपको सिंपल तरीके से कर देना है पब्लिश और कर देना है इसको सेव। सेव कर दोगे तो क्या होगा पता है, ये हो गया आपके चैनल का नाम। अब क्या होगा, जैसे कि कोई भी बंदा आपके वीडियो, मतलब आपका वीडियो किसी के सामने जाएगा ना, तो वहां पर कैसे दिखेगा पता है, उनको लगेगा आपका जो भी वीडियो रहेगा, जैसे कि आपका ये वीडियो हो गया। ठीक है, वीडियो हो गया, तो वीडियो का टाइटल होता है
लिखा हुआ, उसके बाद यहां पे आता है चैनल का नाम एंड यहां पे आता है कि कितना व्यूज आया है कितना टाइम में, ये आता है ना। बट जो कितना व्यूज आया है ना कितना टाइम में, ये आपका शो नहीं होगा, उसके जगह पे ना ये चीज दिखेगा। हर एक वीडियो पे दिखेगा कि 45,000 व्यूज आ चुके हैं 2 घंटे के अंदर। मतलब कोई भी वीडियो अपलोड करोगे ना, अगर मान के चलो आपके वीडियो पर 5 व्यूज हो या तो 10 व्यूज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो व्यूज दिखेगा ही नहीं। उनको क्या दिखेगा? उनको ये वाला व्यूज दिखेगा। उनको पता चलेगा कि 2 घंटे के अंदर इस वीडियो पर 45,000 व्यूज आ चुके हैं। तो जिसके भी सामने ये वीडियो जाएगा ना, वो सोचेगा कि यार आखिर इस वीडियो में है क्या, सिर्फ 2 घंटे के अंदर 45,000 व्यूज आ चुके हैं। और ऐसे में ना वो आपके वीडियो के ऊपर फटाक से क्लिक कर देंगे, और जैसे आपके वीडियो के ऊपर बार बार ज्यादातर क्लिक करेंगे ना, तो आपका CTR बढ़ेगा, और CTR बढ़ेगा तो YouTube आपके वीडियो को ऑटोमेटिक प्रमोट करना स्टार्ट कर देगा। अभी मैं आपको इसका जीता जाता लाइव उदाहरण और प्रूफ दिखाता हूं। सबसे पहले ठीक है, मैं क्या करता हूं, अपने मोबाइल को सबसे पहले ऑन कर लेता हूं, मैं आपको अपने मोबाइल में समझाता हूं ताकि आप अच्छे समय से समझ सको। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे देखो साइड पे मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया हूं। ठीक है, जैसे कि यहां पे मैं कोई भी कीवर्ड को सर्च कर लेता हूं, तो देखो मैक्सिमम लोग कैसे ये ट्रिक को लगा के अपने चैनल को ग्रो किए और कैसे व्यूज ला रहे हैं। अब जैसे कि देखो कोई बंदा स्क्रॉल कर रहा है, मान के चलो देखो जैसे कि इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ठीक है ये वीडियो को चलो हम रोकते हैं, चलो हटाओ इस वीडियो को रोकते हैं, ठीक है यहां से व्यूज करते हैं। बट मान के चलो अगर आपके सामने ये वीडियो आता है, ठीक है इनका ये वीडियो आता है, तो यहां पे देखो क्या लिखा है, यहां पे इस वीडियो पे लिखा है सबसे पहले इसके चैनल का नाम लिखा है, एंड उसके बाद लिखा है 1.1 मिलियन व्यूज डॉट यहां पे देखो 12 hours ago। मतलब कोई भी बंदा अगर इस वीडियो को देखेगा ना, तो वो समझेगा, क्या पता है वो समझेगा कि इस पे ये जो वीडियो है ना, ये जो वीडियो है इस वीडियो पर सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे के अंदर 1.1 मिलियन व्यूज आ गए। तो देखो अगर आपके सामने भी कोई ऐसा वीडियो आता है जिसमें कोई ज्यादा व्यूज आ जाएगा एक्सपेक्टेड से, तो आप क्या करोगे, फटाफट इसके ऊपर क्लिक कर दोगे। जैसे कि अगर ये वीडियो आपके सामने जाता है ना, तो आप सोचोगे यार आखिर इस वीडियो में है क्या, 12 घंटे के अंदर इस पर 1.1 मिलियन व्यूज आ गए, तो वैसे में आप क्या करोगे पता है, फटाफट इसके ऊपर क्लिक कर दोगे। अब जब क्लिक करोगे ना, तो देखो इसका एक्चुअल व्यूज कितना है, 92,000, जो कि 6 महीना पहले डाला है। लेकिन बाहर से कैसे दिख रहा है, बाहर से दिख रहा है यहां पे देखो 1.1 मिलियन व्यूज यहां पे देखो 12 आवर्स एगो। मतलब बाहर से कोई इस वीडियो को देखेगा ना, तो लोग सोचेगा, क्या पता है लोग सोचेगा कि ये वीडियो को 12 घंटा पहले डाला है और इस पर 1.1 मिलियन व्यूज आए हैं। बट ये एक्चुअल में नहीं है, ये क्या है पता है, ये चीज है जो कि मैंने एडिटिंग में दिखाया हूं आपको। ठीक है, ये चीज इन्होंने क्या किया है, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा हूं ना 45K व्यूज डॉट 2 आवर्स एगो, तो इन्होंने क्या किया है, इस बंदे ने सिंपल तरीके से लिख दिया है 1.1 मिलियन व्यूज डॉट 12 आवर्स एगो। मतलब इन्होंने यही तरीका को लगा के अपने इस वीडियो पर ज्यादा व्यूज लाया है। तो जब लोगों के सामने इसका ये वीडियो जाता है, तो सामने वाला ऑडियंस समझते हैं कि यार इस वीडियो में आखिर है क्या, कितना व्यूज आ गया, और वही सोच के ना इसके ऊपर फटाक से क्लिक करते हैं। और जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो इसका एक्चुअल व्यूज दिखता है, और जब तक व्यूज दिखता है ना, तब तक इसका तो व्यूज काउंट हो जाएगा, इनके वीडियो पर 1-2 व्यूज बढ़ जाता है और CTR भी हाई हो जाता है। और ये तरीका को लगा के काफी सारे लोगों ने अपने चैनल पर बहुत सारा सब्सक्राइबर्स गेन किया है, बहुत सारा व्यूज गेन किया है, मतलब काफी फास्ट तरीके से चैनल को ग्रोथ भी कर रहा है। ठीक है, तो ये तरीका बहुत ज्यादा पावरफुल है, थोड़ा गलत तरीका है, बट कोई दिक्कत नहीं है, चैनल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इससे होगा क्या कि आपका CTR हाई रहेगा, लोग ना आपके वीडियो के ऊपर क्लिक कर देंगे। जिसके साथ प्रॉब्लम होता था कि उनके व्यूज से उनके ऊपर क्लिक नहीं करते थे ना, ये तरीका लगाओगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपके वीडियो पर व्यूज कितना है, उनके सामने ये वाला व्यूज दिखेगा, तो वैसे में वो फटाक से आपके वीडियो के ऊपर क्लिक कर देगा। तो ये हो गया पहला तरीका। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब देखो आपको सेकंड तरीका, एक और चीज बताता हूं जिससे आप अपने व्यूज को ना काफी ज्यादा और बढ़ा सकते हो। जैसे कि मैं क्या करता हूं सिंपल तरीके से, या तो अपने नोट्स में, ठीक है अब देखो आपको क्या करना है, आपको चले जाना है अपने मोबाइल के YT स्टूडियो एप्लीकेशन में। YT स्टूडियो एप्लीकेशन में जाने के बाद दोस्तों आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, आपको चले जाना है यहां पे देखो YT स्टूडियो एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको चले जाना है, ये देखो यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इतना सारा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं मार्क करके आपको दिखाता हूं। जैसे कि देखो इतना सारा ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सबसे पहले चले जाना है कंटेंट में। ठीक है, कंटेंट में जाना है सबसे पहले। ठीक है, कंटेंट में जाने का मतलब एनालिटिक्स पे जाने के बाद आपको कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जाने के बाद यहां पे आपको अपने वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि देखो इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखो आपके सामने आएगा टॉप वीडियोस करके, यहां पे देखो टॉप वीडियो आएगा लास्ट 28 डेज का, मतलब लास्ट 28 दिनों में एक महीने के अंदर आपके कौन से वीडियो पर सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं, तो आपके चैनल के वहां पे पॉपुलर 5 वीडियो शो हो जाएंगे। एक महीने में आप कितना भी वीडियो डाले हो ये मैटर नहीं करता है, बट वहां पे एक महीने में सबसे ज्यादा कौन कौन सा चला है ना, टोटल 5 वीडियो यहां पे शो हो जाएगा। जैसे कि मेरे चैनल पर एक महीने के अंदर ये सब मेरे पॉपुलर वीडियो है, ठीक है ये सब सबसे ज्यादा चला है, तो इसी प्रकार से आपका भी आएगा। तो आपको करना क्या है, यहां पे जो जो टॉपिक दिखे ना, आपको इसी टॉपिक के ऊपर पूरा का पूरा महीना काम करना है। जो टॉपिक दिखे यही सब टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनाते जाना है, पूरे एक महीने तक यही सब टॉपिक के ऊपर काम करना है, इसके अलावा और कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना ही नहीं है। जो टॉप में दिखे पांचों कीवर्ड के ऊपर आपको रेगुलर काम करना है, आज ये डालो कल ये डालो परसों ये डालो उसके एक दिन बाद ये डालो फिर ये डालो फिर एक दिन बाद ये डालो फिर ये डालो, मतलब एक एक दिन बाद यही सब कीवर्ड के ऊपर काम करते रहो, 100% आपके व्यूज ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। दोनों तरीका लगाना, 100% आपका चैनल का ग्रोथ होना पक्का है, व्यूज भी इंक्रीज होगा और काफी सारा सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेगा और चैनल का ग्रोथ भी होगा।
तो तरीका अपनाना, अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हो सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करना तो आप इसके ऊपर फटाक से क्लिक करो, इस वीडियो को देखो, बहुत जल्दी आपका सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।